45 विधायकों वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो या फिर तेज प्रताप यादव, तीनों ने मिलकर नीतीश कुमार को उनकी औकात दिखाना शुरू कर दिया है। अब आपको मैं तीन ग्राफिक्स दिखाता हूं और तीनों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार इन तीनों ने मिलकर नीतीश कुमार को औकात दिखाना शुरू किया है। सबसे पहले आप देखिए लालू यादव। लालू यादव ने कानून मंत्री जो अभी घेरे में है कार्तिकेय सिंह, इस मामले में उन्होंने बता दिया कि ये जो नीतीश है ना वो सिर्फ रबर स्टाम्प है, असल में जो सुपर चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद लालू यादव हैं। अब आ जाइए तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने शिक्षा मंत्री के जरिए जो चंद्रशेखर हैं ये भी अभी काफ़ी विवादों में है, नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए केजरीवाल का सहारा लिया है। ये दूसरी कड़ी है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और तीसरा जो इनके एक और पुत्र हैं तेज प्रताप यादव, इन्होंने नीतीश कुमार की जो छवि है ना सुशासन बाबू वाली, उस छवि को ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया है और इसके लिए अपने जीजा जी का सहारा लिया है। ये भी कहानी अभी आपको मैं दिखाऊंगा और ये पूरी कहानी मिल करके इससे आपको पता चलेगा कि जो नीतीश कुमार हैं, जो उन्होंने अब तक बरसों में अर्जित किया है, वो कैसे तिल तिल कर खत्म हो रहा है। आज ये पूरी कहानी इस वीडियो में। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने चुनौती दी। चुनौती क्यों दी? क्योंकि प्रधानमंत्री बनने की एक लालसा जो बरसों से उनके दिलो दिमाग में छिपी हुई है ना, वो अचानक से फिर से जाग उठी। वो कभी भी जाग जाती है, ये तो आपने देखा है, इस बार फिर जाग गई। और उस लालसा को जो लालू यादव परिवार है, पूरा कुनबा है, उन्होंने तुरंत उसे और हवा दिया, हवा देने का काम किया। और इसके बाद तो नीतीश कुमार ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को तोड़ दिया और महागठबंधन के सहयोगियों की चिट्ठी लेकर, और चिट्ठी कितने विधायकों की आप देखिए ना, 164 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी लेकर सीधे राजभवन पहुंच गए। लेकिन नीतीश कुमार ये भूल गए कि उनके अपने विधायक कितने हैं, वो तो सिर्फ 45 विधायकों के मुख्यमंत्री हैं, यानी 164 में सिर्फ 45। अब अगर इसको ज़रा इसका हिसाब लगाइए तो 119 विधायक ये तो तेजस्वी यादव के साथ है। और 119 विधायक का मतलब आप समझते हैं, बिहार विधानसभा में जो बहुमत का आंकड़ा है उसके लिए सिर्फ 122 सीट चाहिए और 119 विधायक तो तेजस्वी यादव के साथ है। और मुख्यमंत्री जनाब ये बने हुए सिर्फ 45 विधायकों के साथ। ऐसे में जो लालू यादव का परिवार है, पूरा कुनबा है, और जो पहले से ही धोखा खाया हुआ है, वो ऐसे तो छोड़ेगा नहीं, वो तो सबक सिखाएगा। लेकिन इतनी जल्दी सबक सिखाएगा ये किसी को पता नहीं था। और आज इस वीडियो में आप एक एक करके देखिएगा इनके परिवार के एक एक सदस्य ने नीतीश कुमार से कैसे बदला लेना शुरू किया है, यही आपको देखकर समझ में आएगा। अब पहला मामला आपको दिखाता हूँ। लालू यादव ने एकदम झटके से ये समझा दिया कि आप भले ही आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन असल जो सुपर चीफ मिनिस्टर है ना वो मैं हूँ। अब क्यों मैं ये कह रहा हूँ, अभी इनका जो कानून मंत्री है कार्तिकेय सिंह, कितना बड़ा मामला सामने आया मीडिया में, लोगों ने दिखाया, चूंकि ये गंभीर मामला था कि जिस दिन इन्हें इनके खिलाफ वारंट जारी हुआ था, कोर्ट में हाजिर होना था, उस दिन वो कानून मंत्री की शपथ ले रहे थे, नीतीश कुमार घिर गए। तो घिरते ही उन्होंने क्या कहा आपको याद है ना, बहुत छोटी सी बाइट आप एक बार की सुन लीजिए, कोई जानकारी नहीं है मुझे, सुन लीजिए। उनका वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको नहीं। लेकिन नीतीश कुमार फंस गए, उनको लगा कि यार गलती कर दी, मुख्यमंत्री तो मैं ही हूँ, ऐसे कैसे होगा। तो उन्होंने थोड़ा सा लिपापोती करने की कोशिश की और उसके बाद उन्होंने एक और बयान दिया, आप रिपोर्ट देखिए। वो कह रहे हैं कि हम मामले को देख रहे हैं, अब और क्या कहेंगे वो। लेकिन जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री के अंतर्गत ही तो सारे मंत्री आते हैं ना, वही तो
हर चीज का करता धरता होता है, तो उनको तो ये कहना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद की घटनाक्रम को देखिए। जैसे ही लालू यादव दिल्ली से पटना पहुंचे, भागे भागे नीतीश कुमार लालू यादव जी के पास पहुंच गए। आप देख लीजिए, रिपोर्ट देखिए, तस्वीर देखिए। और इस दौरान लालू यादव के दोनों बेटे मौजूद थे, दोनों मंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री, दूसरे भी कैबिनेट मंत्री हैं। दोनों एकदम देख रहे थे नीतीश कुमार जी क्या कह रहे हैं। मगर यहाँ पर फिर एक और पेच था, क्योंकि नीतीश कुमार ही नहीं पहुँचे जब लालू यादव लौटे तो उनके घर, वो कार्तिकेय सिंह भी पहुँचे जो कानून मंत्री हैं, वो भी लालू यादव के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुँचे। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ, जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम मामले को देख रहे हैं, उस मामले में लालू यादव ने क्लीन चिट दे दी। क्लीन चिट दे दी भाई साहब, आप ये समझिए मुख्यमंत्री की ऐसी की तैसी। आप जरा देखिए लालू यादव क्या कह रहे हैं, आप सुन लीजिए। कोई ऐसा मामला नहीं, गलत बात। यानी कानून, कोर्ट, कचहरी, मुख्यमंत्री, सारी व्यवस्थाएं, सब की सब बेमानी है। अब भी ये वारंट जारी है कानून मंत्री के खिलाफ, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लालू यादव के राज को जानते हैं ना, उनको सब पता है कानून का मतलब वहां क्या होता है। तो इस मामले ने, मतलब अभी ये मामला चलेगा क्या होगा ये तो अब भगवान जाने, लेकिन इस मामले में लालू यादव ने फैसला सुना दिया और ये भी जता दिया कि आप सिर्फ रबर स्टाम्प हैं 45 विधायकों वाले, असल जो सुपर चीफ मिनिस्टर है ना, वो मैं हूँ। अब दूसरा मामला आपको दिखाता हूँ। उधर लालू यादव ने तो बता ही दिया वो कौन है क्या है, इधर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए एक नया खेल खेला। और इस खेल में जो उनको मतलब सहारा लिया, वो उन्होंने अपने शिक्षा मंत्री का लिया है, चंद्रशेखर। ये भी अभी काफ़ी विवादों में रहे हैं, आपको पता होगा कई सारे मंत्री के लगातार चल रहे हैं, उसमें ये भी है, शिक्षा मंत्री भी हैं चंद्रशेखर। और इस पूरे एपिसोड में जो सबसे बड़ा सहारा लिया गया है वो केजरीवाल जी का है। केजरीवाल तो वैसे भी इस समय छाए हुए हैं, वैसे भी छाए रहते हैं, टीवी पे दिखने का उनको बड़ा शौक है। लेकिन ये नया मामला है, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, जो आरजेडी के कोटे से हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, बहुत बड़ा बयान, जरा सुनिए, सुनना चाहिए। मालूम हुआ अभी आप लोग देख रहे होंगे केजरीवाल जी का, तो हम अपने अधिकारियों के साथ ऐसे शिक्षण संस्थानों को भी विजिट करेंगे। केजरीवाल मॉडल पर काम करेंगे आप लोग? बिल्कुल, मैं अभी देखने जा रहा हूँ, देख करके लगता है ऐसा, जो दुनिया भर के लोग आ रहे हैं वहाँ देखने के लिए, कुछ न कुछ तो है। सुन लिया ना आपने, जो केजरीवाल ढोल पीटते रहते हैं, ढोल की सच्चाई तो आपको पता है, उस ढोल में इन्होंने भी अपना वो लगा दिया है। और ये कह रहे हैं जो आरजेडी के मंत्री हैं कि हम दिल्ली का शिक्षा मॉडल देखने जाएंगे, वहाँ से सीखेंगे। अब ये सुनकर अच्छा लग सकता है, देखिए कहीं की अच्छी चीज़ हो तो सीखना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ मामला कुछ और है, केजरीवाल जैसा ही है ये भी मामला, इतना सहज नहीं है जितना वो दिखता है। अब जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने सिर्फ कहा नहीं कि हम दिल्ली के शिक्षा मॉडल को देखने जाएंगे, और बिहार का शिक्षा मंत्री कह रहा है, ये समझिए अब उसकी पर्सनालिटी आप भूल जाइए। और वो पहुंच भी गया, अब देखिए कुछ ही घंटे में पहुंच गया। भाई बिहार में इतनी जल्दबाजी में कोई अच्छा काम होता है क्या? और ख़ास करके लालू यादव के राज में, इन आरजेडी के काल में ऐसा होता है? अब ये समझिए कि किस प्रकार से ये नीतीश कुमार की बेइज्जती कर रहे हैं, ये समझना ज़रूरी है। अब आपको मैं बताता हूँ नीतीश कुमार कब मुख्यमंत्री बने। वो 17 साल पहले 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, और बीच में एक आध साल जो जीतन राम मांझी को बनाया तो उन्हीं की सत्ता रही, ये आप मान लीजिए। मतलब इतने सालों से वो मुख्यमंत्री हैं, जाहिर तौर पर सब पर उनका अधिकार है। और शिक्षा मंत्रालय की आप बात कर लीजिए, शिक्षा मंत्री भी उन्हीं के रहे हैं पूरे के पूरे इस 17 साल में। सिर्फ एक बार आप देखिए रिपोर्ट, 2015 से 2017 के बीच कांग्रेस के अशोक चौधरी को उन्होंने शिक्षा मंत्री बनाया जब महागठबंधन की सरकार थी।
यानी 15 साल उनके शिक्षा मंत्री रहे हैं और अभी भी। अब जब महागठबंधन की सरकार बनी तब जा करके चंद्रशेखर को इन्होंने बनाया है। अब ये चंद्रशेखर केजरीवाल मॉडल की बात करके अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ये बता रहे हैं कि आपका जो अब तक का काम है ना वो जीरो है। आप हमें जंगल राज कहते थे ना, अब हम आपको दिखा रहे हैं कि जो 17 साल में आपने किया है ना वो जीरो है। आपको केजरीवाल से सीखना चाहिए। तो ये बेसिकली बेइज्जत करने का खेल चल रहा है और इस प्रकार से अपमानित करने का खेल चल रहा है। मतलब ये समझना ज़रूरी है। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा तथ्य देखिए कि ये शिक्षा मंत्री कौन है, चंद्रशेखर आरजेडी का। ये वो शिक्षा मंत्री है जो 3 साल पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर कई जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था। ये शिक्षा मंत्री वो है। और किस शिक्षा मंत्री से ज्ञान लेने जा रहा है ये भी देख लीजिए। दिल्ली का शिक्षा मंत्री जो शराब घोटाले में आरोपी है, सीबीआई की रेड चल रही है उनके घर में, सीबीआई रेड हो चुकी है, ये वो शिक्षा मंत्री हैं और कभी भी जेल जा सकते हैं, ये तो खुद केजरीवाल जी ने बताया है। इसका मतलब है कि एक शिक्षा मंत्री जो जिंदा कारतूस के लिए पकड़ा गया, वो दूसरे शिक्षा मंत्री जो शराब घोटाले का आरोपी है उससे ज्ञान लेने जा रहा है। लेकिन इन सब चक्रव्यूह में निशाना है नीतीश कुमार पर, जिनको ये बताना है कि आपने जो 17 साल काम किया वो सब बेकार है। लेकिन यहां पर दोस्तों एक चीज आपको मैं बता दूं कि केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की तारीफ नहीं कर रहा मैं, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, आप देख लीजिए, ये कुछ महीने पहले बनाया था। इसमें एक एक पॉइंट पर विस्तार से बात किया है, आप नीचे लिंक में भी जाकर देख सकते हैं कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल कैसे एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये भी आपको समझना चाहिए। अब नीतीश कुमार से जुड़ा तीसरा मामला भी देख लीजिए। नीतीश कुमार ने इतने सालों में क्या कमाया, सुशासन बाबू की इमेज कमाई उन्होंने। वो जंगल राज कहते थे लालू यादव के राज को, उसके बाद तो यही आए, तो इनको लोगों ने कहा, मान्यता दी। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि जो पहले का जंगल राज था ना उसको दूर किया और उसके बाद सुशासन बाबू की छवि बनाए। लेकिन वो छवि कैसे खत्म हो रही है ये तो कई सारी घटनाओं से आपको पता चल गया। अब ये सुशासन बाबू की इमेज को ध्वस्त कर रहे हैं और ये काम कौन कर रहा है, तेज प्रताप यादव। लालू यादव का दिखाया, तेजस्वी यादव का दिखाया, तेज प्रताप यादव का भी आप देख लीजिए। तेज प्रताप यादव ने जैसे ही अपना कार्यभार संभाला 17 अगस्त को अरण्य भवन में पर्यावरण वन और जलवायु विभाग, जलवायु परिवर्तन विभाग की एक बैठक की। इस बैठक में बहुत सारे जितने अधिकारी हो सकते हैं सब थे, मंत्री ही हैं, लेकिन इस बैठक में जानते एक व्यक्ति और कौन था, उनके जीजा जी। ये जीजा जी हैं जो मीसा के हस्बैंड हैं शैलेश। अब भैया ये क्यों है, किस अधिकार से है, आपकी अथॉरिटी क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन ये बैठे हुए। ये है सुशासन की इमेज को ध्वस्त करना। और सिर्फ एक बैठक की बात नहीं है, 18 अगस्त को तेज प्रताप यादव बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे और वहाँ भी इनके जीजा जी बैठे हुए थे और तभी तो लोग मज़ा ले रहे हैं। आप देखिए ना, एक ट्वीट दिखाता हूँ, मज़ा आएगा आपको। Why should only Sonia's damad have all the fun under new government of Nitish Kumar? Lalu Yadav's damad is attending government meetings now. Lalu was staying at damad's house in Delhi. बिहार में बाहर है, लालू का नीतीश कुमार है। तो ये है दामाद, पूरा मजा ले रहे हैं दामाद जी। तो ये नीतीश कुमार की इमेज को खत्म करने, उन्हें चुनौती देने, उनको औकात दिखाने की कोशिश है। साथियों, नीतीश कुमार की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ने बिहार को जिस जाल में उलझा कर रख दिया है उसकी वानगी अभी से दिखने लगी है। राज्य में गैर संवैधानिक शक्तियां जहां हावी होती जा रही हैं, वहीं राज्य में अब मनमाना काम हो रहा है और जनता इस तमाशे को न सिर्फ देख रही है बल्कि समझ भी रही है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से सिमट कर 45 पर आ गए हैं,
और वो अब भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। याद रखिए, अगले चुनाव में अगर वो इस संख्या से भी सिमट जाए, ख़त्म हो जाए, राजनीतिक रूप से उनका जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाए, तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।